दरभंगा के हायाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और जनता दल यू के प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह को बीती रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रविंद्र सिंह को गंभीर स्थिति में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। रविंद्र सिंह के परिचितों ने बताया, खुद रविंद्र सिंह ने भी बताया कि रात में किसी ने उनको कॉल करके चुनाव से संबंधित किसी काम के सिलसिले में अर्जेंट कहकर बुलाया और कार से जाते समय रास्ते में सुनसान जगह पर 4 से 5 अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। करीब 4 राउंड गोली चलाई गई, जिसमें एक गोली उनके बाएं बांह में, दूसरी गोली उनके जांघ से ऊपर पेट के नीचे लगी है। इस घटना में रविंद्र सिंह काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनको DMCH में भर्ती कराया गया है। रविंद्र सिंह ने खुद भी बताया कि अपराधियों ने उनको ये कहा था कि वो चुनाव से संबंधित किसी काम के लिए अर्जेंट आए तो उनको बताया जाएगा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रविंद्र सिंह उर्फ चिंटू सिंह के समर्थक देर रात से ही अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों से मिलकर उनकी स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं कौन लोग थे, चेहरा देखने के बाद पहचान सकता हूँ। क्या लग रहा आपको चुनावी रस जिसमें क्यों गोली आपको मारा लोगों ने? घटना यही घटी है जो 10 बजे रात में मेरे चाचा जी को कॉल आया है, जो आप आके मिलिए पर्सनल। अब कौन कॉल किया वो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। वो गए मिलने के लिए, जब वहाँ से मिल के आ रहे थे तब इन पे गोली चलाया गया, जो ठाठोपुर और कोठरा के बीच एक चौर पड़ता है, बीच उसमें गोली चलाया गया। जो गाड़ी पे आ रहे थे उसमें गोली चलाया गया, उसमें जो अभी तक कोई जानकारी, जो उस समय जब हम लोग को कॉल पता चला तो उस समय यही हम थोड़ा यही बोले वो, जो 4 से 5 आदमी हमको आके अंदाजन गोली चलाया है। कितनी गोलियां लगी है? गोली अभी इनको 2 लगा है, जो एक बाह में है और एक पैर जांघ पे है। क्या स्थिति है अभी? अभी नाजुक स्थिति है, डॉक्टर साहब देखे हैं, बोले ऐसे में तो अभी सुबह तक होश आ जाएगा। आप बताइए क्या लग रहा है, क्यों गोली क्यों मारी गई? देखिए आपसी रंजिश हो या चुनावी अभी माहौल चल रहा है, इनका अच्छा वो था हायाघाट विधानसभा से, इन्हीं लिए। अब क्या उसमें कोई पार्टी विशेष है या वो तो अभी हम जानकारी नहीं दे सकते, वो तो ज़्यादा जानकारी वही देंगे जब उनको हो सके। अच्छा, ये क्या प्रत्याशी थे कि क्या थे और कौन सा छाप था और क्या नाम था? वो हायाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी से और उनका ट्रैक्टर छाप था 10 नंबर पे है। आप ये बताइए कि रात में क्या, उसके बाद क्या हो रहा था? रात में जब हम लोग को जानकारी वहाँ से लेकर DMCH आए, यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, डॉक्टर साहब देखे, इसके बाद तमाम पदाधिकारी आए, सब देखे हैं, वो किए हैं, लेकिन अभी कोई अपना बयान नहीं दिए हैं। जब तक तो खुश नहीं रहा तब तक आगे क्या बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजू कुमार सिंह हुआ। आपको बता दें कि दरभंगा में 7 नवंबर को वोटिंग है और इसको लेकर के वहाँ सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उससे लोगों में काफी आक्रोश है। दरभंगा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।